हमारे टेलीग्राम पर प्रश्न किया हुआ है, अखंड तिवारी जी ने, वृंदावन से हैं, इनका प्रश्न है क्या कुशा जलाया जा सकता है, अर्थात कुशा को अग्नि में डाला जा सकता है क्या, या निषेध है, ये पूछना चाहते हैं। देखिए, कुशा को अग्नि में डालने का कहीं निषेध प्राप्त नहीं है, कुशा को अग्नि में डाल सकते हैं। मुख्य रूप से जहाँ कुष्कंडिका का जो विधान है, चाहे वो श्रौत सूत्र की कुष्कंडिका हो या गृह सूत्र की या तांत्र की कुष्कंडिका हो, तीनों ही कुष्कंडिका हैं, तीनों में ही और कुशों को अग्नि में प्रक्षेप करने की कुछ क्रियाएं हैं। जैसे कुशा में कुशाओं से निर्मित कई पात्र होते हैं, कई कुष्कंडिका में उपयोग में होने वाले उपकरण होते हैं। एक उपयमन कुशा होती है, एक सम्मार्जन कुशा होती है, एक पवित्र होता है, दो पवित्र बनते हैं, और बरही कुशा, इन सभी कुशाओं को अग्नि में डालने का विधान है। सम्मार्ग कुशा नाम अग्नौ प्रतिपत्ति ही कुष्कंडिका में लिखा रहता है, और हमारी शाखा के लिए संस्कार प्रकाश ग्रंथ में लिखा है कि वाजसनेयी नाम तो उदक दिशि त्याग, सम्मार्ग कुशा का जो है वाजसनेयियों के लिए उत्तर दिशा में त्याग का विधान है। श्रौत सूत्र की कुष्कंडिका में अथवा गृह सूत्र की, ये जो अग्नयाधान के संबंध में होने वाली कुष्कंडिका है, उसमें आवसथ्याधानम तु दार काले, जो आवसथ्याधान होता है अर्थात स्मार्त अग्नि का आधान होता है विवाहोपरांत, तो उस वक्त जो कुष्कंडिका होती है, तो उसमें लिखा हुआ है आचार्य पारस्कर जी का प्रथम कांड के दूसरी कंडिका का 12वां सूत्र है कि वरहिर होत्वा प्राश्नाति। वरही कहते हैं जो परिस्तरण होता है, जब कुशा से उस वेदी को ढक दिया जाता है, लिखा हुआ परिस्तरण किया जाता है कुष्कंडिका में, यदि वो वेदी पर परिस्तरण नहीं होता है तो वेदी निर्वस्त्र मानी जाती, वो कुंड निर्वस्त्र माना जाता है, नग्न माना जाता, इसलिए परिस्तरण होता है, ये क्रिया है, पूर्व से प्रारंभ होता है परिस्तरण का कार्य, फिर इतरथा वृत्ति होती है, ये कुष्कंडिका में आप देखेंगे। तो बाद में उन वरी होम होता, उस वरी को देवागात विदोगात मित्वा इस मंत्र से और अग्नि में हवन कर दिया जाती है, वो स्थापना क्रमेण जैसे स्थापन की गई है उसी क्रम से उसको उठा करके घृताक्त करके अग्नि में हवन कर दिया जाता है। पर हमारे जो आचार्य हरिहर जी, हरिहर मिश्र, जिन्होंने पारसगर गृह सूत्र पर भाष्य किया है, और श्री आदरणीय गदाधर जी महाराज, इन दोनों ने ही अपने भाष्य में लिखा हुआ है कि ये जो हवन है ये केवल अग्नयाधान में ही होता है, अन्यत्र ये बरही कुशा का जो है वहाँ से हटा करके उत्तर दिशा में किसी पवित्र स्थल पर त्याग कर दिया जाता है। तो लिख रहे हैं कि वरहिर होमश्चा, पारस्कर गृह सूत्र में, वरहिर होमश्चा विधान सामर्थ्यात् अग्नयाधाने एव भवति नान्येषु कर्मसु। बरहिर होम विधान सामर्थ्य से अग्नयाधान में ही होता है, अन्यत्र और कोई भी संस्कार आदि के हवनों में ये बरी होम नहीं होगा। ये ऐसा ही हरिहर जी ने जो लिखा है, ऐसा ही गदाधर मिश्र जी ने भी लिखा हुआ, परंतु पवित्राभ्याम अग्नौ प्रतिपत्ति ही
पवित्र अग्नि में डाल दिए जाते हैं। अग्नौ पवित्र प्रतिपत्ति ही अग्नि में प्रतिपत्ति कर दी जाती है, अंतिम कार्य कर दिया जाता है जो पवित्र को होते हैं उनका। और सम्मार्ग कुशानाम अग्नौ प्रतिपत्ति ही, अग्नौ त्याग, सम्मार्ग कुशा का भी अग्नि में त्याग हो जाता है। तो ये सब कुशाएं हैं और इनको जलाने का, अग्नि में डालने का बिल्कुल विधान है शास्त्रों में, यानी कि वैदिक शौद सूत्र में और स्मार्त गृह सूत्र में और तांत्रिक इत्यादि ग्रंथों में, जैसे कि शारदा तिलक, श्री मंत्र महोदधि आदि अनुष्ठान प्रकाश, मंत्र महारणव, जहाँ जहाँ ये जो है तांत्रिकी कुशकंडिका का विधान है वहाँ भी ये सब हवन में और कुशा डाल दी जाती है। देखेंगे आप केतु की आहुति जो होती है उसमें पंडित लोग जो है वो कुशा को अग्नि में नहीं डालेंगे, घी छुड़वा देते हैं और अग्नि में नहीं डलवाते हैं। इसका हमारे पूज्य गुरुदेव खंडन करते हैं, वे कहते नहीं अग्नि में ही डालने का विधान है, कहाँ लिखा है जो कि कुशा को जल को घी को छिड़क दिया जाए और कुशा को बाहर फेंक दिया जाए, ऐसा कहीं विधान नहीं है, वो तो उसी में डालना है। और भी जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा कि किसी की मृत्यु पंचक में हो जाती है और पंचक में ही दहन होता है, अथवा पंचकों में किसी का शवदाह होता है, भले ही उसकी मृत्यु पंचक में नहीं भी हुई है पर दहन के समय पर पंचक हैं, पंचक नक्षत्र हैं, तो वो पांच पुत्तले बना करके, पंच पुत्तल ये जो है कुशाओं से ही बनाए जाते हैं और फिर उनका दाह के दाह होता है शव के साथ में। तो ये भी है, इसलिए कुशा को अग्नि में डालने में कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है, ऐसा है हमारे शास्त्रों में। और अलग अलग यूं ही तो कुशा को जलाने का कोई प्रयोजन नहीं है कि बिना बात के कोई कुशा को जलाया जाए, किसी न किसी कारण से ही उसको जलाया जाता है। तो जहाँ जलाया जाता है विधान सामर्थ्यात, वो विधान की सामर्थ्य से, वचन बलात्, वचन के बल से, और शास्त्रों में कहीं भी किसी भी प्रकार का निषेध न मिलने पर वो क्रिया हो सकती है। इस दृष्टि से कुशा को अग्नि में डालने में कोई भी विप्रतिपत्ति नहीं है।